कुछ नहीं बचा उसमें, सिर्फ ये है इसको घुमा के चालू कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज खेत मतलब अपनी सिंचाई का दूसरा दिन और बहुत ही गड़वाना रह रहा है, और सिंचाई मतलब दूसरी खेत की चालू करनी है, और ये अपना जा रहा 275 आम्मा लेके चलने के लिए, और सोनाली का भी जा रहा है मक्का ढोने के लिए, किराए जा रहा है दोनों, लेबर वगैरह आए नहीं है, दो लोग आ गए अभी और आना बाकी है। चलो चलते हैं अपन भी खेत, फिर वहीं पे मिलते हैं। ये अपना खड़ा हुआ, इसमें बीज रखा, निकालना इसका अभी। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा अपना मटर है, जमते आ रहा और निकलते भी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। इस साइड बाद में चला आया था, इस साइड अपना 10-5 है जो कि पूरा निकल गया, अब निकल आ रहा है। ये थोड़ी लेट निकलता है, GS10 अपना समय लगता है इसमें निकलने में, पानी भी अच्छे ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा दूर तो सड़ जाता है। बहुत सी समस्याएं हैं हम लोग के इधर की मिट्टी में भी, थोड़ा ज़्यादा हो जाता पानी तो जलक जाती है मिट्टी। और अपना ये K5 जो कि पूरा निकल आया है, यहाँ तक अब GS10 है जी, दिख रहा लाग इधर तक जी, इधर से K5 है, देख सकते हैं आप। इसको अपन ने 1 क्विंटल 10 किलो 110 किलो प्रति एकड़ की बोनी के बिना बीज उपचार का है, और ये अपना बीज उपचार वाला है मैनकाइंड से, और क्या बोलते कंट्रोल फंगिसाइड से अपन ने उसका बीज उपचार किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उस वाले खेत। दोस्तों आ गए थे खेत, अभी खाना वगैरह खा के और सब कुछ अपनी इधर बोनी की थी कल, तो सिंचाई भी कंप्लीट हो गई, धनी भी निकलते आ रहा है अपनी। ये अपनी चरी लगी हुई है, देख सकते हैं आप, ये निकलते आ रहे हैं, और ये अपना मटर है जो कि पूरी तरह से निकल आया है। लग रहा था कि ये इसमें कम पड़ा था थोड़ा बीज, इसमें अपन ने उषा प्रगति बो दिया है, और ये भी अपना उषा प्रगति है इधर से, ये GS10 देख सकते हैं आप, इधर से ये लाइन दिख रही चौड़ी वाली, ये उषा प्रगति जो कि बढ़िया लग रहा है अभी तो। जब इसकी फलियाँ वगैरह आएगी तो अपन देखेंगे कैसा का कितने दिनों में होता, बोलते हैं 60 दिन की वैरायटी है भी। CTN जैसे फलियाँ होती मिर्ची वाली लंबी फलियाँ, इसमें GS10 ये 75 से 80 दिनों की वैरायटी है, ये बोलते 60 दिन में कंप्लीट हो जाता, 55 से 60 दिन या अपन बोलते 65 दिन, तो बढ़िया है। अपन ने सोचा इससे, इसको अपन 70 किलो प्रति एकड़ बोते हैं, इसको अपन 90 किलो इसको बोते हैं, 70 किलो इसको बोते हैं, ये बढ़िया वैरायटी है। अब देख सकते हैं आप मस्त मटर, और ये अपना मटर उस वाली खेत की तो अपनी सिंचाई चल रही है, ये भी बढ़िया है, ये GS10 है बढ़िया। देखिए दोस्तों, इस पर भी पानी अपन लगा दिया दोबारा, यूरिया और सल्फर डाल दिया इसमें भी, वो भी, और ये मिला रहा है, इसको भी चालू कर रहे हैं अपन आज, मिल चुका है ये भी मोनोजिंक और सल्फर और ब्लास्टर। ठीक है दोस्तों, डलवा ले फिर चालू करके वहाँ की भी बदल ली, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। ये अपनी टपरिया है, ये निपट गया कल पंप का, ही कुछ नहीं बचा उसमें, सिर्फ ये है इसको घुमा के चालू करो, इनने मिटा दिया, ये बहुत तेज खींच दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसने भी डलने लगा यूरिया और ब्लास्टर, ये भी पानी बहुत चाहने लगा है भी। पूरे में डल जाएगा आज, इधर अपन लोग सिप्टो बस चला पाएंगे, इसलिए इसमें बस डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आ गए थे मटर वाले खेत, अब कल ये मटर टूटेगा अपना, क्योंकि पोखा भी नहीं उतना अच्छा, ये सूख रहा है, ये झाड़ दिख रहा है आप लोगों को,
सूख रहा है तो फलिया भी सूखने लगी है। जी देख सकते हैं आप, जी सूखने लगी, इसलिए अपन इस कल को कल तोड़वा देंगे इसको। और रेट भी अच्छे तो नहीं है, लेकिन ऐसे 2,000-2,500 बिक रहा है, देख सकते हैं आप जी। ऐसे हो चुका है, कहीं कहीं है कमज़ोर थोड़ा, मतलब पतली छाए पठेवानी नहीं है, फलिया ये सूखने लगा, इसलिए तोड़वाना पड़ेगा अपन को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब। इधर से इतनी जगह ये दिख रही सूखी, झाड़ के पास सूखी है। ठीक है दोस्तों।